English Saga. I guess ऐसा सबके साथ हुआ है कि हम किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं और हमें वहाँ कोई बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है और हम उनसे बात करना चाहते हैं, पर हमें समझ नहीं आता कि हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें. हमें ये नहीं समझ आता कि हम अपने आप को अच्छा कैसे दिखाएं, फॉर्मल एजुकेटेड कैसे दिखाएं. ऐसा ना हो कि वो हमें सोचे बुद्धू या फिर हमारा टाइम वेस्ट करने आ गया. तो इसी के लिए आज के लेसन में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं. और ये लेसन शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डाउट्स पूछने होते हैं बट चैनल नहीं होता उनका, तो वो कमेंट नहीं कर पाते. तो इसके लिए मैंने एक मेल बनाई है स्पेशली आपके डाउट्स या आपके कोई सजेशंस वगैरह हों वीडियो के लिए, तो आप मुझे भेज सकते हैं englishsaga.doubts@gmail.com पे. ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा. आप मुझे कभी भी कोई भी डाउट भेज सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड. मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी और जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ. अगर आप अपने किसी बहुत पुराने दोस्त से काफ़ी टाइम बाद मिले हैं और आप उनसे बात करना चाहते हैं और अपने आप को एक्साइटेड शो कर सकते हैं, आप कैसे, हे लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत टाइम हो गया हमने एक दूसरे को देखा नहीं है, हम मिले नहीं, तो ऐसे उस पर इम्प्रेशन जमेगा कि हाँ आप उसको याद रखते हैं, आप उसको याद हैं और आप एक्साइटेड हैं उससे बात करके. मान लीजिए कि आप कहीं मार्केट में गए हैं जो फ्रीक्वेंटली लगती है, या फिर आप किसी क्लब में गए हैं और वहाँ आप किसी को मिलते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप उनसे बात कर सकते हैं. इज दिस योर फर्स्ट टाइम हियर, एक क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं लगता और ऐसा भी नहीं लगता कि आप डेस्परेट हैं बात करने के लिए. आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या पहली बार आए हैं, फिर कॉन्वर्सेशन अपने आप स्टार्ट होती रहेगी. आप किसी से ये पूछ सकते हैं, आर यू फ्रॉम अराउंड हियर. अगर आप कहीं दूर गए हैं या किसी वेकेशन पे गए हैं तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप क्या यहीं आसपास रहते हो या आप क्या यहाँ आसपास से ही आए हो. आप अगर किसी पार्टी में गए हैं तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, डू यू नो समवन अराउंड हियर, क्या तुम यहाँ पर किसी को जानते हो. अगर वो कहते हैं हाँ तो आप उनके बारे में पूछ सकते हैं, और अगर वो कहते हैं ना तो आप ये कह सकते हैं कि चलो मैं तुम्हें इनसे मिलवा देता हूँ. ऐसे आपकी बातचीत भी बनेगी और आपका इम्प्रेशन भी अच्छा बनेगा. एक क्वेश्चन जो आजकल बहुत कॉमन है और बहुत फैशन में है, कैन आई बाय यू अ ड्रिंक, क्या मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक खरीद सकता हूँ. इससे आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, पर ऐसा ना हो कि अगर वो कह दे कि नहीं आई डोंट ड्रिंक, तो आप क्या करेंगे. वैसे आजकल ये बहुत फैशन में है, और अगर वो ड्रिंक ना लें तो आप पानी तो पूछ ही सकते हैं. एक और अच्छा तरीका है दूसरों को ऐसा ना लगे कि आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लाइक आप पूछ सकते हैं, हाय डू यू हैव अ मिनट, मतलब कि आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपसे एक मिनट बात कर लूँ, क्या आप मेरे लिए एक मिनट निकाल सकते हैं. तो ऐसे ही ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप उनका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं जानबूझ के. अब मैं एक आपको फॉर्मल बताती हूँ. फॉर्मल मतलब जैसे आप किसी मीटिंग में गए हैं और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या ये इनफॉर्मल में भी यूज़ हो सकता है, लाइक हाय आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. कहीं बिजनेस मीटिंग में आपको कोई मिल गया, कोई पार्टी में आपको मिल गया जो फॉर्मल है, जो स्टेटस के हिसाब से, मतलब एनवायरनमेंट देखा जाए तो इनफॉर्मल है, पार्टी है, बट आप अपने काम के बारे में पूछना चाहते हैं, उन पर इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं, हाय आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. एक चीज़ जो हर जगह चलती है, वेदर के बारे में बात करना. आप किसी से भी, चाहे आप फॉर्मल में बात कर रहे हैं चाहे इनफॉर्मल में बात कर रहे हैं, आप डायरेक्टली जाके वेदर के बारे में बात करिए, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी. आप ऐसे कह सकते हैं, इट्स रेनिंग, सच अ ब्यूटिफुल वेदर इट इज़, या फिर इट्स क्वाइट सनी टुडे. ऐसे आप वेदर के बारे में बात कर सकते हैं. नेक्स्ट, आप
उनकी तारीफ़ कर दीजिए। ये तो बेस्ट तरीका है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का, सबको तारीफ पसंद आती है। हे आई लाइक योर जैकेट, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। इससे उनको लगेगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, आप उनको नोटिस करते हैं। और वैसे भी अगर कोई आपकी तारीफ करेगा तो आप तो उससे बात करना चाहेंगे कि वो मेरी और तारीफ करे। ये बेस्ट तरीके हैं कि आप वेदर के बारे में बात करें या उनकी तारीफ करें, या दोनों भी कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।